गुड मॉर्निंग किड्स। तो हमने कल EBS के चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमें हानि कैसे पहुंचाते हैं या हमको परेशान या हम हमारे लिए हानिकारक कैसे हो सकते हैं। आज हम सबसे पहले जो हमारी एक एक्सरसाइज है उसको फिल करेंगे, उसके बाद आगे चैप्टर को रीड करेंगे। समझ आया? चलिए देखिए। हियर आर सम मोर इंसेक्ट्स That harm us, मतलब यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट दिए हुए हैं जो क्या करते हैं, जो हमें हार्म करते हैं, हमें हानि पहुँचाते हैं। मैच द इंसेक्ट्स विद वेयर इट इज फाउंड, मतलब आपको क्या करना है, मैच करना है कि जो ये एनिमल हैं वे कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या है, हनी बी। तो बताइए हनी बी कहाँ पाई जाती है बच्चों? हनी बी हमेशा हाइव्स में पाई जाती है, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाती है। उसके बाद क्या है बताइए, लोकस्ट। लोकस्ट कहाँ होता है बताइए? लोकस्ट हमेशा जो फसल होती है ना, जो फुली ग्रोन क्रॉप्स होती हैं, मतलब पूरी तरीके से उगी हुई जो फसल होती हैं उन पर होते हैं, उन पर पाए जाते हैं। समझ आया? उसके बाद अगला क्या है, आंट। आंट कहाँ पर रहती है आपको पता ही है? एंथिल। तो एंथिल कैसे होते हैं, छेद जैसे होते हैं। चलिए उसके बाद लास्ट है बग। क्या है? बग। तो बग कहाँ पे रहती है? कीड़े लीव्स पर। चलिए समझ आया? अब हम इसके आगे अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वॉर्म्स। क्या है वॉर्म्स? आर लॉन्ग क्रीचर विद नो बोन्स, मतलब जो कीड़े होते हैं, वॉर्म्स भी एक तरीके के कीड़े होते हैं। समझ आया आपको? वॉर्म्स भी कैसे कीड़े होते हैं, एक तरीके के कीड़े होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं वैसे ही वॉर्म्स होते हैं। पर जो वॉर्म्स होते हैं वो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, उनके अंदर हड्डियां नहीं होती हैं। समझ आया? वे ट्यूब जैसे आकार के होते हैं, मतलब जैसे पाइप होता है ना एक छोटा सा, उसके जैसे आकार के होते हैं। समझ आया? और इंसेक्ट्स तो आपको पता ही है कीड़े कैसे वाले कीड़े होते हैं, ठीक है। पर वॉर्म्स क्या होते हैं, वॉर्म्स भी कीड़े ही होते हैं पर रेंगने वाले कीड़े होते हैं। समझ आया? तो वॉर्म्स आर लॉन्ग क्रीचर्स विद नो बोन्स, मतलब वॉर्म्स क्या होते हैं, वॉर्म्स बिना हड्डियों वाले लंबे जीव होते हैं। देयर बॉडीज आर ट्यूब लाइक एंड डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स, मतलब क्या होता है, उनका जो शरीर होता है, उनका जो शरीर होता है ट्यूब लाइक, मतलब ट्यूब के जैसे, जो ट्यूब होती है उसके जैसे, ट्यूब के जैसे और खंडों में विभाजित होते हैं। ट्यूब के जैसे होते हैं और क्या होते हैं, खंडों में विभाजित होते हैं। समझ आया? दे कैन नॉट फ्लाई, वे उड़ नहीं सकते। दे कैन नॉट फ्लाई, वे उड़ नहीं सकते। दे कैन ओनली क्रीप, मैंने बताया आपको भी थोड़ी देर पहले, केवल वे रेंग सकते हैं, क्रॉल सरक सकते हैं या रिगल या फिर सटपटा सकते हैं। समझ आया? या फिर एक अपनी जगह पे लोट पोट कर सकते हैं। समझ आया? जैसे वे उड़ नहीं सकते, वे केवल सरक सकते हैं, रेंग सकते हैं या लोट लगा सकते हैं, मतलब अपनी जगह पर लोट सकते हैं, पर वो उड़ नहीं सकते, वे चल नहीं सकते। समझ आया आपको? मैंने आपको पहले बताया था जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उड़ भी सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उड़ते भी हैं, पर जो वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स जो होते हैं वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, रेंग सकते हैं, सरक सकते हैं, अपनी जगह पर ही धीरे धीरे करके लौट सकते हैं, पर वे उड़ नहीं सकते। समझ आया? चलिए कौन कौन से होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, मिलीपीड, सेंटीपीड। समझ आया? अर्थवॉर्म, मिलीपीड, सेंटीपीड, आप देख सकते हैं ये अपनी ही जगह पर, ये देखो मिट्टी में सिर्फ रेंग रहे हैं, ये उड़ नहीं रहे ना, देखिए इनके कितने सारे पैर भी होते हैं, देख सकते हो आप। अर्थवॉर्म, मिलीपीड, सेंटीपीड। समझ आया? अर्थवॉर्म, मिलीपीड, सेंटीपीड, ये तीनों क्या हैं, वॉर्म्स हैं। क्या हैं ये तीनों? वॉर्म्स हैं, कैचुए हैं। चलिए, कैटरपिलर, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स आर वॉर्म्स दैट हैव मैनी लेग्स, मतलब क्या है, कैटरपिलर, सेंटीपीड, मिलीपीड्स, इनके क्या होते हैं, ये कीड़े हैं जिनके कई पैर होते हैं, जिनके क्या होते हैं, कई पैर होते हैं। कैटरपिलर तो आप जानते ही हो, सेंटीपीड कनखजूरा, सेंटीपीड क्या होता है,
कनखजूरा एंड मिलीपीड गोजर। एंड मिलीपीड क्या होता है? गोजर। ये ऐसे कीड़े होते हैं जो जिनके क्या नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, समझ आया? जिनके पैर नहीं होते, ये ऐसे कीड़े होते हैं। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर नाइदर इंसेक्ट्स नॉर वॉर्म्स। मतलब जो मकड़ी और बिच्छू होते हैं, स्पाइडर आप जानते हो मकड़ी और स्कॉर्पियंस बिच्छू, तो जो मकड़ी और बिच्छू होते हैं वो ना तो कीड़े होते हैं और ना ही केंचुए होते हैं, समझ आया? ना तो कीड़े होते हैं और ना ही केंचुए होते हैं, मतलब रेंगने वाले होते हैं। उनके आठ, दे हैव एट लेग्स, क्या उनके आठ पैर होते हैं? किसके? स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस के। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8, और स्कॉर्पियन के भी 8 पैर होते हैं। स्पाइडर्स कैच देयर प्रे बाय ट्रैपिंग इट इन द स्पाइडर वेब विच इज मेड ऑफ अ काइंड ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर स्टमक। मतलब क्या है? स्पाइडर कैच देयर प्रे, मतलब क्या होता है? स्पाइडर जो होती है वो अपने शिकार को पकड़ती है। प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। प्रे का मतलब बच्चों क्या होता है? शिकार। तो जो मकड़ी होती है वो अपने शिकार को पकड़ती है, किसमें पकड़ती है? अपने मकड़ी के जाले में, अपने मकड़ी के जाले में फंसाकर पकड़ लेती है, समझ आया? विच इज मेड बाय अ काइंड ऑफ सिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम देयर स्टमक। कौन सा जाल क्या हुआ आप इसका मतलब समझे? कि मकड़ी अपने मकड़ी के जाल में फंसाकर अपने शिकार को पकड़ लेती है, ट्रैपिंग, फंसाकर मकड़ी पकड़ती है अपने शिकार को, किसमें? किसमें फंसाकर? मकड़ी के जाल में फंसाकर, मकड़ी के, स्पाइडर वेब मतलब मकड़ी के जाल में फंसाकर। तो क्या करती है जो मकड़ी होती है? वो अपने शिकार को मकड़ी के जाल में फंसाकर पकड़ लेती है। विच इज मेड बाय अ काइंड ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर स्टमक, मतलब जो, तो क्या होता है बच्चों, जो मकड़ी होती है उसके पेट से एक तरीके का सिल्क उत्पन्न होता है। क्या होता है? जो मकड़ी होती है उनके पेट से, जो मकड़ियां होती हैं उनके पेट से एक तरीके का क्या निकलता है? सिल्क निकलता है, एक तरीके का रेशम निकलता है जिससे वो जाल बनाती हैं, समझ आया आपको? उससे वो क्या बनाती हैं? जाल बनाती हैं। और उस जाल में क्या होता है? कोई भी उनका जो शिकार होता है वो फंस जाता है और फिर वो उसे पकड़ लेती हैं, समझ आया? आप देखते होंगे कि मकड़ी के जाल में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े और फंस जाते हैं, तो क्या होता है? जो मकड़ियां होती हैं उनके पेट से एक तरीके का क्या? सिल्क प्रोड्यूस होता है, मतलब एक तरीके का रेशम उत्पन्न होता है जिससे क्या बनता है? स्पाइडर वेब बनता है, जिससे जाल बनता है, मकड़ी का जाल बनता है, और उसमें वो क्या करती हैं? अपने शिकार को फंसाकर पकड़ लेती हैं, समझ आया? तो चलिए एक बार मैं हिंदी आपको दोबारा बता देती हूँ। मकड़ी अपने मकड़ी के जाल में फंसाकर अपने शिकार को पकड़ती है, जो उनके पेट से उत्पन्न रेशम के प्रकार से बनाया जाता है, या रेशम के द्वारा बनाया जाता है, जो उनके पेट से उत्पन्न एक प्रकार के रेशम के द्वारा बनाया जाता है। मतलब एक रेशम जो उनके पेट से उत्पन्न होता है उससे क्या बनता है? जाल बनता है, समझ आया? चलिए, स्कॉर्पियंस हैव अ शार्प स्टिंग एट द एंड ऑफ देयर टेल विथ विच दे स्टिंग और बाइट। क्या होता है? स्कॉर्पियंस जो होते हैं, बिच्छू जो होते हैं, उनके पास क्या होते हैं? उनके जो आखिरी के जो वो होते हैं, डंक होते हैं, आखिरी के उनकी पूंछ के जो अंत में जो डंक होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत तेज होते हैं, बहुत पैने होते हैं। स्कॉर्पियंस हैव अ स्टिंग, शार्प स्टिंग मतलब तेज डंक होते हैं, कहां पर? उनकी पूंछ के अंत में, देयर टेल एंड ऑफ देयर टेल मतलब उनकी पूंछ के अंत में, देख सकते हैं आप ये, ठीक है, ये उनकी पूंछ है, इसके अंत में क्या होता है? एक तेज पैना डंक होता है, समझ आया? आप देख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है।
जिससे वह क्या करता है, जिससे वो डंक मारता है या फिर काटता है। समझ आया, जिससे वो क्या करते हैं, डंक मारते हैं या काटते हैं। उनकी पूंछ ही आपको दिखाई दे रही है इसमें, ये क्या है, डंक है, एक तरीके का क्या है, डंक है। तो ये जो डंक होता है वो बहुत पैना होता है, इससे जो स्कॉर्पियन होता है वो क्या करता है, जो स्कॉर्पियन होता है वो इससे डंक मारता है या फिर काटते हैं। समझ आया, तो स्कॉर्पियंस हैव अ शार्प स्टिंग एट द एंड ऑफ देयर टेल्स, मतलब बिच्छुओं के पास उनकी पूंछ के अंत में एक तेज डंक होता है, विथ विच दे स्टिंग और बाइट, जिससे वे डंक मारते हैं या काटते हैं। समझ आया, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यूजेस ऑफ इंसेक्ट क्या है बच्चों, यूजेस ऑफ इंसेक्ट मतलब कीड़ों का उपयोग, जो कीड़े होते हैं वो हमारे उपयोग में भी आते हैं। इंसेक्ट्स हेल्प अस इन मैनी वेज, कीड़े कई तरीके से हमारी मदद करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, मतलब कीड़े जैसे हनी बीज मतलब मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं। तो जो मधुमक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो फूलों से रस चूसती हैं। दे मेक हनी विद दिस नेक्टर, और क्या करती हैं, वे इस रस से क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं, वे इस रस से शहद बनाती हैं। वी यूज हनी फॉर वेरियस पर्पस, क्या होता है, जो हम लोग जो होते हैं हम कई उद्देश्यों से हनी का उपयोग करते हैं, हम कई उद्देश्यों से जो हनी होता है, शहद होता है, उसका उपयोग करते हैं। समझ आया, हम कई उद्देश्यों से शहद का उपयोग करते हैं। उसके बाद बटरफ्लाइज बम्बल बीज एंड सम अदर इंसेक्ट्स हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। बटरफ्लाइज बम्बल बीज एंड सम अदर इंसेक्ट्स हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, मतलब क्या होता है, बटरफ्लाई तो आप जानते हो तितली, बम्बल बीज होता है जो भौरा होता है ना, जो येलो येलो फूल होते हैं उनसे रस जो होता है उसको सक करता है। समझ आया, तो ये बम्बल बी है, ठीक है, बटरफ्लाई बम्बल बीज एंड सम अदर इंसेक्ट और कुछ और दूसरे कुछ कीड़े और कुछ दूसरे कीड़े हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, मदद करते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में, किससे, एक फूल से दूसरे फूल में। समझ आया, पोलन ग्रेन क्या होता है बच्चों, एक तरीके का रस होता है, एक तरीके का पराग होता है, क्या होता है, पराग या फिर अनाज, पराग या फिर क्या, अनाज, जो एक फूल से दूसरे फूल में क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं। समझ आया, तो तितलियां और भौरा मधुमक्खियां और कुछ दूसरे कीड़े, तितलियां भौरा और कुछ दूसरे कीड़े क्या करते हैं, पराग एवं अनाज को एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल में क्या करते हैं, जो पराग होता है उसको स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, वी गेट सिल्क फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क वॉर्म, तो वी गेट सिल्क, हम सिल्क प्राप्त करते हैं फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क वॉर्म, मतलब जो रेशमी कीड़ा होता है, रेशमी कीड़े के ककून से हम क्या प्राप्त करते हैं बच्चों, रेशम मिलता है हमें, जो रेशमी कीड़ा होता है उसके ककून से हम रेशम प्राप्त करते हैं। समझ आया, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, अर्थवॉर्म्स मेक द सोइल फर्टाइल, जो केंचुए होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, केंचुए क्या करते हैं, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं।